जब डेजर्ट कूलर ठीक से काम नहीं कर रहा हो तो प्रायः होने वाली खराबी है पावर सप्लाई का नहीं होना, फैन मोटर का खराब होना और हवा का ठंडा नहीं होना। अब हम यह देखेंगे कि इन साधारण खराबियों के होने पर डेजर्ट कूलर को कैसे रिपेयर किया जाता है। अब हम यह देखते हैं कि एयर कूलर में पावर सप्लाई के न होने पर इस समस्या को ठीक कैसे करें। डेजर्ट कूलर में पावर सप्लाई न होने की समस्या को ठीक करने के लिए पहले एसी में मेंस पावर कार्ड की कंटिन्यूटी को चेक करें। पावर कार्ड में कोई समस्या नहीं है। अब सीरीज टेस्टिंग सर्किट का प्रयोग करते हुए स्पीच सेलेक्टर स्विच की कंटिन्यूटी को चेक करें। इस उदाहरण में स्पीच सेलेक्टर स्विच काम नहीं कर रहा है, अतः कूलर से खराब स्विच को निकालें और नए स्विच को फिक्स करें। जैसे दर्शाया गया है वैसे सही कनेक्शन दें। अब पैनल को फिक्स करें और डेजर्ट कूलर को ऑन करें। खराब हुई मेन कार्ड एवं स्विच के अतिरिक्त कभी कभी कूलर के अंदर के वायर चूहों के काटने से खराब हो सकते हैं, इसलिए वायर को चेक करें और यदि जरूरत पड़े तो बदल दें। स्पीच सेलेक्टर स्विच काम नहीं कर रहा था, हमने उसे नए स्विच से बदल दिया है और सफलतापूर्वक डेजर्ट कूलर में पावर सप्लाई न होने की समस्या को ठीक कर दिया है। फैन मोटर का खराब होना एक अन्य समस्या है जो साधारणतः डेजर्ट कूलर में पाई जाती है। खराब फैन मोटर को रिपेयर करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाओं का पालन करें। सबसे पहले फैन की कैपेसिटेंस को चेक करें। इसके लिए फैन मोटर और कैपेसिटर को डेजर्ट कूलर से हटाएं। उसके बाद फैन कैपेसिटर को हटाएं। कैपेसिटर के किनारों को पकड़ें और लगभग एक या दो सेकंड के लिए उन्हें चार्ज करें। कैपेसिटर के चार्ज हो जाने के बाद दोनों वायर को एक दूसरे से भिड़ा दें। जब दोनों वायर मिलेंगे तो एक छोटी सी आवाज के साथ छोटी सी चिंगारी निकलेगी। इससे यह पता चलता है कि कैपेसिटर काम करने की अच्छी स्थिति में है। यदि कैपेसिटर से चिंगारी और आवाज नहीं निकले तो वह खराब है और उसे नए कैपेसिटर से बदलना होगा। इस प्रक्रिया के दौरान हमेशा ध्यान रखें कि कैपेसिटर को 2 सेकंड से ज्यादा चार्ज नहीं किया जाता है, अन्यथा वह फट सकता है। इस उदाहरण में कैपेसिटर में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद मोटर वाइंडिंग को चेक करें। अब मोटर वाइंडिंग को चेक करें। इसके लिए मोटर को खोलें और मोटर से वाइंडिंग कॉइल को अलग करें। मोटर में रोटर, शाफ्ट और बुश भी होते हैं। इस तरह वाइंडिंग कॉइल को अलग करने के लिए नीचे के मोटर कवर को हटाएं। वाइंडिंग कॉइल जला नहीं है और यह कार्य करने की अच्छी कंडीशन में है। उसके बाद रोटर को चेक करें। अब रोटर और शाफ्ट को चेक करें। चेक करें कि रोटर का स्क्रूइंग चिकना नहीं है। साथ ही यह भी चेक करें कि शाफ्ट सीधा है और उसकी सतह समतल है। यदि नहीं तो उसे नए शाफ्ट से बदल दें। रोटर में कोई खराबी नहीं है। उसके बाद बुशेस को चेक करें। अब बुशेस को चेक करें। यदि बुशेस खराब हो गई हो तो मोटर चलता नहीं है, उन्हें नए से बदलना होगा।
इस उदाहरण में बुशेस खराब हो गई थी और उन्हें नए बुशेस से बदल दिया गया था। हमने डेजर्ट कूलर में कुछ खराबी देखी है। डेजर्ट कूलर की अन्य समस्याएं पानी का पंप नहीं होना और हवा का ठंडा नहीं होना है। यदि कूलर का पानी साइड में स्थित पैनल में ठीक तरह से पंप नहीं हो रहा है तो सबमर्सिबल पंप में खराबी होगी। यदि कूलर सामान्य रूप से काम कर रहा है परंतु हवा ठंडी नहीं हो रही है तो साइड में रखे ग्रास को बदल दे और नया रखे। आपने सफलतापूर्वक डेजर्ट कूलर की यूनिट पूरी कर ली है। अब आप एक डेजर्ट कूलर के विभिन्न भागों के बारे में बता सकेंगे। डेजर्ट कूलर के कार्य करने की पद्धति तथा डेजर्ट कूलर को रिपेयर करने हेतु प्रयोग की जाने वाली पद्धति का विस्तार में वर्णन कर सकेंगे।